हे गाइस, अब ये इतनी नीच हरकत करने लग गया है ना, इतनी नीच हरकत है। ये मुझे अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहा है, अलग अलग नंबरों से मैसेज कर रहा है, और इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और कॉल कर करके मुझे बोल रहा है वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना तेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? ये मुझे अलग अलग नंबरों से कॉल करके ये बोल रहा है, अलग अलग नंबर से ये करके बोल रहा है। जब तूने मेरे साथ चीट करा पिछले 4 साल में, 400 बार तूने मेरे साथ चीट करा, मैं फिर भी तेरे साथ रही, फिर भी तू मुझे आके सॉरी बोल देता तो मैं तुझे माफ़ कर देती, क्योंकि मेरा बहुत सॉफ्ट हार्ट है गाइस। मेरे से ना कोई जल्दी से आके माफ़ी मांग लेता ना, मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। तूने मेरे साथ ऐसा करा और अब तू मुझे धमकी दे रहा है कि मैं तेरा चैनल डिलीट करा दूंगा। मैंने अभी से ही बोला, मैंने कहा मैंने तुम्हारी सिर्फ एक वीडियो डाली है, मुझे इतना मजबूर मत करो कि जो भी सारी वीडियो है ना वो मैं डाल दूँ, या मुझे इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारी सारी असलियत सोशल मीडिया पे ले आओ। ये मेरे साथ ऐसा करता था ना, ये मुझे मार देता था, मार के चला जाता था और किसी और लड़की के पास चला जाता था। मुझे किसी और से पता चलता था ये यहाँ पर है, मेरे पास सारे प्रूफ रखे हुए, मेरे पास A to Z हर चीज़ है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं कोई सोशल मीडिया साइट पर ये डालूँ या इसका कुछ हो। पर अगर अब इसने मेरे साथ कोई भी हरकत करी, किसी ने मुझे कॉल करा, तो मैं बोल रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँ। आप लोग सोचते हो ये लोग, आप इतने लोग हमें कमेंट करते थे हमारे फेवरेट कपल है, ये है वो है, देख के इतना अच्छा लगता था, बट जो रील होती है गाइस और जो रियल लाइफ होती है दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, दोनों बहुत ही डिफरेंट होती है। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था ना, मैं बता नहीं सकती, मैं नहीं बोलूंगी, पर अगर अब उसने मेरे को फिर से धमकी दी मैं तेरा चैनल डिलीट कर दूंगा ये, तो मैं हर चीज़ डाल दूंगी। मैं ये अरुण को भी कह रही हूँ कि मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। ये मुझे डीमोटिवेट करता था, मुझे उल्टा सीधा बोलता था, जिससे मैं खुद कुछ अपने साथ गलत करने का सोचूं। हर चीज़ इसने मेरे साथ करी है। और अब जब मैं फ़ोन करके कि तुझे मैं ना ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो, मैंने कहा पहली बात तो मुझे धमकी मत दे, वरना अभी सिर्फ एक ही क्लिप दिखाई है, एक ही क्लिप मेरे पास तेरी हर क्लिप है कि तू कौन सी लड़की के साथ कहाँ पे था, तेरी लड़की के साथ चैट, ये वो। तूने मेरे को ना इसने, गाइस मैं अपनी रियलिटी आप लोगों को ये बताऊँ, ये आदमी इतना नीच है ना, इतना नीच, कितना नीच होगा आदमी, ये इतना नीच आदमी है ना, इसने ना ये बताए मुझे, हम जब लिविंग में रहते थे, अब हम अलग अलग हो चुके हैं, जब हम पहले लिविंग में रहते थे ना तब ये मुझे मारता था, मैं बता रही हूँ मेरे को मारता था, मेरे पास हर एक एक चोट का प्रूफ है, हर चीज़ है। ये मुझे मारता था और मुझे मार के ऐसे ही छोड़ देता था और दूसरी लड़कियों के साथ चल जाता था। बट मैंने कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पर ये चीज़ सामने नहीं आने दी कि ये मेरे को ऐसे कुत्तों की तरह मारता है और उसके बाद चला जाता है। अब जब इसने ये हरकतें दोबारा से शुरू कर दी, बीच में ये ठीक हो गया था, इसने मुझे बोल दिया था हाँ निक्कू सॉरी मेरी गलती, सब कुछ ठीक हो गया था, बट अब इसने ये दोबारा से ये हरकतें चालू कर दी। इसने मुझे किसी ऐरी गहरी लड़की के पीछे मुझे छोड़ा 4 साल, जब ये नहीं था तब इसे कोई दिक्कत थी तो इसके साथ मैं खड़ी थी, बस मैं थी इसके साथ। और अभी मुझे कॉल करके पता क्या कर रहा है, वीडियो डिलीट कर दे वरना तेरा चैनल डिलीट करा दूंगा, मैं तेरा चैनल वो करा दूंगा, सस्पेंड करा दूंगा, डिलीट करा दूंगा, तुझे बहुत दिक्कत होगी, तू ये कर दे। तो मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मेरे पास बहुत लोगों का सपोर्ट है और मुझे बस आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसने मुझे एक टाइम पे यहाँ तक मजबूर कर दिया था कि मैं अपने साथ कुछ गलत करूँ। मुझे इतना उल्टा उल्टा बोलता था, मुझे इतनी वो गालियाँ देता था, ये देता था, पर मैंने कभी भी किसी के सामने ये नहीं आने दिया कि इसने मेरे साथ ऐसी, हमेशा मैंने इसको हर जगह सबके आगे रखा, सबके आगे बहुत इज्जत दी, इसने कभी मेरे को इज्जत नहीं दी।